चाय है ड्राफ्ट्समैन सीविल। आज हम आरसीसी में प्रयोग किए जाने वाली सामग्री के बारे में बताएंगे कि आरसीसी में किस किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। उसमें से नंबर एक पर है रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट का मतलब है परबलन। परबलन के रूप में हम स्टील बार का प्रयोग करते हैं। सीमेंट कंक्रीट के अंदर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है परंतु उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती, उसके लिए रेनफोर्समेंट का प्रयोग किया जाता है। नंबर दो पर है सीमेंट। सीमेंट एक बंधक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। सीमेंट सभी मटेरियल को आपस में कंबाइन करता है, आपस में जोड़ के रखता है। उसके बाद है एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब है मिलावा। ये दो प्रकार का होता है, नंबर एक है फाइन एग्रीगेट, नंबर दो है कोरेज एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट के अंदर वो पार्टिकल होते हैं जिनका साइज कम होता है। इनका अधिकतम साइज 4.75 एमएम से अधिक नहीं होता। कोरेज एग्रीगेट मोटा मिलावा होता है जिसका अधिकतम साइज 20 से लेकर 25 एमएम तक होता है, परंतु हैवी स्ट्रक्चर में इसका साइज बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद है वाटर। सीमेंट कंक्रीट के अंदर एक निश्चित अनुपात में पानी